तो हम कहेंगे कि ये 2 हफ्ते का एक डिप्रेसिव एपिसोड है, तो डेफिनेटली ये सब अलार्मिंग साइंस है जो उनके पेरेंट्स को जानना चाहिए। मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जिससे उनको एग्रेशन आ रहा है, या लॉस ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, या सुसाइड का भी कहीं जिक्र उन्होंने किया है। सबसे पहले आपकी आवाज़ क्या निकलती है? माँ आ। आपके हॉर्मोन्स कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी आपको रोकना चाहती है कि तो दोस्तों वी आर बैक विद वन ऑफ द बेस्ट। ये एक प्लेटफॉर्म है यूथ के लिए, आप लोग हमें बताते हैं प्रॉब्लम्स, हम लाते हैं वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस। हमारे साथ है डॉक्टर कमल खुराना, साइकोलॉजिस्ट जो 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। आज हम छेड़ने जा रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक जो है टीनेज डिप्रेशन, बहुत जरूरी है अवेयरनेस इसकी, तो आइए हमारे साथ। So, दोस्तों वी आर बैक और आज हमारे साथ है डॉक्टर कमल खुराना, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम द कंट्री, और आज का टॉपिक है थोड़ा सेंसिटिव व्हिच इज टीनेज डिप्रेशन। हेलो मिस्टर खुराना, कैसे हो? करण, नाइस टू मीट यू सर, और थैंक यू अपना टाइम निकालने के लिए और ये सेंसिटिव टॉपिक पे हमारी ऑडियंस को वो ज्ञान देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली हम एक बहुत अच्छा डिस्कशन आज करने जा रहे हैं। डॉक्टर, जड़ पे जाते हैं और हमें आप ये बताइए कि व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन एक डिजीज है। मैं इस शब्द को बोल रहा हूँ डिजीज यानी बीमारी, क्यों हम इसको ऐसा कह रहे हैं? अगर मैं इसे बीमारी ना कहूँ और सिंपली ये कहूँ कि उदास रहना गलत बात है, दुखी रहना गलत बात है, हिम्मत करो, मोटिवेशन रखो, आगे बढ़ो, अपने गोल्स को अचीव करो, तो बात गलत होगी। आप उस कारण पर नहीं जा रहे हैं। डिप्रेशन 2 हफ्ते तक अगर आप लो फील कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, आपका मन नहीं हो रहा खाना खाने का, या आप बहुत सारा खाना खा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, आप बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, या आपको नींद ही नहीं आ रही है, या आपको भूख कम लग रही है जैसे मैंने पहले कहा, और आपके काम जो भी हैं, अगर आप जॉब करते हैं या अगर आप पढ़ते हैं, आपका मन नहीं लग रहा है वहाँ पर और रोते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, या रोने का मन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये 2 हफ्ते का एक डिप्रेसिव एपिसोड है। और अगर ये 6 महीने तक कंटिन्यू हो गया तब हम इसे सिवियर डिप्रेशन भी कहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है इन फीचर्स को, इन सिम्टम्स को जानना कि ये आपके साथ हो रहा है, ताकि आप इस पे हेल्प लें, बात करें, जो भी समस्याओं का समाधान है वो करें, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और तो ज़रूरी है इसको समझना कि हाँ ये कुछ डिफरेंट मेरे साथ हो रहा है। तो डॉक्टर आपको क्या लगता है क्या मेन कॉजेज है वो डिप्रेशन के? डिप्रेशन के कई सारे कॉजेज हैं। डिप्रेशन के कॉजेज ज़रूरी नहीं है कि मेरी सिर्फ थॉट प्रोसेस ही ख़राब हो रखी है, कि मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं। कोई चाइल्डहुड ट्रोमा या कोई ऐसी ट्रोमा, कोई ऐसी घटना जो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी जिससे आप निकले हैं, वो भी डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकता है। आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस अंदर जो हो रहे हैं, जिसका इतने अच्छे तरीके से कोई रीज़न नहीं जाना जा सकता, एक अंदर होता है। कभी कभी ये फैमिली से भी निकल कर के आ रहा होता है। अगर आपके फैमिली में भी किसको डिप्रेशन रहा है, तो जेनेटिकली भी, हेरिडिटी में भी आपके आ सकता है। ऑल्सो किस तरह से आप बड़े हुए हैं, तो आपके बचपन में कैसा आपने एनवायरनमेंट देखा है, क्या क्या आपने मीनिंग मेकिंग सिस्टम बनाया चीज़ों को, लाइफ को आप कैसे देखते हैं, क्या आप निराशावादी हैं या आप आशावादी हैं, कैसा आपका, आपकी जो पालना है जो आप बड़े हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं, कैसा आपका सपोर्ट सिस्टम रहा है। कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स नहीं इतना ज़्यादा आपके साथ होते हैं कुछ ऐसे मोमेंट्स में, तो ये सारे कारण मिला करके इस डिजीज़ को एक रूप देते हैं डिप्रेशन। सो डॉक्टर मैं जानना चाहता हूँ, एक मेरा फ्रेंड है जो इस डिजीज से शायद सफर कर रहा है, मुझे नहीं पता वो स्टेज में है या नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ उनके पेरेंट्स के लिए क्या वो अलार्मिंग साइंस है जिससे वो पहचान पाए कि उनका बच्चा डिप्रेशन में है या नहीं। बहुत बढ़िया, जैसे हमने पहले भी समझा कि अगर उनको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, या बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, या बेड में ही रहना चाह रहे हैं, बाहर ही नहीं आना चाह रहे, दोस्तों से नहीं मिलना चाह रहे, स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं नहीं जाना चाह रहे, अगर जॉब जाते हैं तो जॉब पर भी कंटिन्यूअसली नहीं जा रहे, या मन नहीं लग रहा, अगर जो नॉर्मल अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी थे वो भी नहीं कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए वो भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे रहे हैं, और अगर उनके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जिससे उनको एग्रेशन आ रहा है, या लॉस ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, या सुसाइड का भी कहीं जिक्र उन्होंने किया है, तो डेफिनेटली ये सब अलार्मिंग साइंस है जो उनके पेरेंट्स को जानना चाहिए। एक आध दिन, 2 दिन कभी कोई ऐसा लो इमोशन फील करे किसी बात की वजह से, वो नॉर्मल है, पर अगर ये कॉन्टिन्यूसली 2 हफ्ते तक हो चुका है,
तब डेफिनेटली आपको इसके ऊपर काम करना होगा। ये आपको अपने दोस्त के पेरेंट्स को बताना होगा। डॉक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों की क्वेरी आई है कि फैमिली रोल कितना इंपॉर्टेंट है डिप्रेशन में। बच्चा अगर डिप्रेशन में जाता है, क्या फैमिली का रोल है उसके अंदर या नहीं? फैमिली का मतलब हुआ सपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले जो आपकी सोसाइटी है वो है आपकी फैमिली। अब आप ये देखो कि कभी भी आपको चोट लगती है, अगर आप छोटे हो तो सबसे पहले आपकी आवाज़ क्या निकलती है? माँ, आ, ऐसी आवाज़ निकलती है, विच मीन्स कि आप अपनी फैमिली से ऐसे जुड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप नहीं भी होते हैं कि आप इतनी सारी बातें कर सकते हैं, खुल के कर सकते हैं, पर फिर भी अंदर ही अंदर कहीं आपके अंदर एक ऐसी इच्छा होती है कि अगर आपके फादर या आपकी मदर आपको साथ महसूस करा दें तो आप कुछ भी अचीव कर जाएं। उनका जो बिलीफ है आपके अंदर, वो कुछ भी करा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो थोड़े हार्ड होते हैं, वो कह नहीं पाते, पर उनकी इंटेंट फिर भी आपकी भलाई के लिए होती है। अब जब हम इस डिजीज़ की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन, बहुत ज़रूरी है कि वो फैमिली सबसे पहले आपको हिम्मत दिलाए कि हम तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ साथ होना इतना बड़ा सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी एक पिलर है, एक ऐसा एक हिम्मत है, एक जीने का एक जज्बा है। अगर वो कहें हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी हुआ, जो भी आगे तुम्हें करना है, हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर वो आपसे डिस्कशंस करें, आपके उन थॉट्स के अंदर से आपको बाहर निकालें, अगर मेडिसिंस की ज़रूरत है तो आपको मेडिसिंस भी दिलवाएं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ बात तो कर रहे हैं डिप्रेशन की, ऐसा भी होता है कि कभी कभी ये बातों से बियॉन्ड आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो आपके केमिकल्स हैं जो ब्रेन में चल रहे हैं, उनका कभी अगर फ्लक्चुएशन हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ समय तक के लिए आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कंटिन्यूसली 2 दिन आपको हेडेक हो रहा है तो डॉक्टर्स हमेशा कहेंगे कि आप उसकी दवाई ले लो, एटलीस्ट उसे ठीक कर लो। ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूसली आपको सालों साल लेनी हो। ऐसे कुछ केसेस होते भी हैं जहाँ पर आपको पूरा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, पर इन सब में कौन आपको बाहर निकाले, कौन आपके साथ हो? क्योंकि जो डिप्रेस्ड होता है वो खुद ही इतना लो होता है, उसको कोई सुध-बुध नहीं रहती है, और वो उस अंधकार में धंसता चला जाता है, तो कोई तो चाहिए कहने वाला। और अगर आपके फादर या आपकी मदर आपको कहें कि मैं तेरे साथ हूँ, चल इसे ठीक करते हैं, जो भी ट्रोमा हुआ पहले या चाइल्डहुड में या अभी हाल फिलहाल में, चल उसके ऊपर काम करते हैं, कुछ नहीं होता, ज़िंदगी अभी है, अगर वो 2 शब्द आपको ऐसे कह दें और आपको कहें मैं तेरे साथ हूँ, चल कहाँ चलना है, किसी डॉक्टर के पास चलना है, तुम्हारे दोस्तों से मिलना है, चल इसके ऊपर काम करते हैं, चेंज करते हैं मूड, बाहर चलते हैं, तो डेफिनेटली आप बाहर निकलना आसानी से पाएंगे। अगर आपके साथ आपके फैमिली ही नहीं है तो आप अकेला महसूस करते हैं और अंदर जाते हैं। सो डॉक्टर, मैंने अपनी खुद एडोलेसेंस एज में एक्सपीरियंस करा है कि जब मैं 11, 12, 13 साल का था, बहुत एक्सट्रीम बिहेवियर करता था, गुस्सा, सैड हो जाना, अलग हो जाना, उस एज में जो मूड स्विंग्स होते हैं, कैन इट बी अ कॉज फॉर डिप्रेशन? टीनेज एक ऐसी एज है, एडोलेसेंस एक ऐसी एज है जहां पर आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं। अब आपको बॉडी से पता है, आप अपने आप को देख रहे हैं कि आप बड़े हो गए हैं हाइट में, पर अंदर से अभी भी आप बच्चे हैं, अभी भी आपको नहीं पता आगे कैसे सोसाइटी में डील करना है, कैसे सर्वाइव करना है। आपका मन करेगा अगर आप बॉय हैं कि मैं बाइक चलाऊं, कार चलाऊं, जबकि आपकी एज नहीं है। आपका ब्रेन अभी इस चीज़ को नहीं जान पाता है कि कब ब्रेक लगानी है। ब्रेन बिल्कुल आगे बस अपनी स्पीड को जाना चाहता है, स्पीड पहचानता है बस, और ब्रेक्स नहीं पहचानता है। इस प्रोसेस में जब भी समाज आपको मना करता है, सोसाइटी आपको रोकती है, आपके पेरेंट्स के फॉर्म में, पुलिस के फॉर्म में, आपके टीचर्स के फॉर्म में कि ये गलत है, वो गलत है, तब आपको फ्रस्ट्रेशन आती है। आपके हॉर्मोन्स कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी आपको रोकना चाहती है कि थोड़ा सा आप अपने अंदर बैलेंस, और जिसे धैर्य कहते हैं, बैलेंस अपने अंदर उस चीज़ को जाने। अब उस मोमेंट पर जब आप लो फील कर रहे हैं, वो बहुत ही नॉर्मल है। बट हाँ, अगर वो कॉन्टिन्यूसली, जैसा मैंने पहले कहा, 2 हफ्ते तक चल गया सेम पैटर्न, तब कुछ गड़बड़ है। अगर कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से, या आप एक्सट्रीम बातें कर रहे हैं, अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं सुसाइड के या किसी और को हार्म पहुँचाने के या खुद को हार्म पहुँचाने के, और ये रेगुलर आ रहे हैं, देन डेफिनेटली सोचने की बात है, रुकने की बात है, अपनी बात शेयर करने की बात है, अपनी बात को अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, किसी से बताइए। डॉक्टर, आपने बहुत अच्छा बताया, अगर मुझे फील हो रहा है बहुत टाइम से, अगर 2 हफ्ते से, कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक अगर मैं लो फील कर रहा हूँ, या कोई इमोशन है जो बहुत एक्सट्रीम में जा रहा है, अगर मुझे लगता है मैं खुद क्या पर्सनल लेवल पे कर सकता हूँ वो चीज़ें जिससे मैं इन चीज़ों से बाहर आ पाऊँ? सबसे पहले आपको ये जानना है कि मुझे इससे बाहर निकलना है। जब तक आप नहीं जानेंगे अपने अंदर कि मुझे इससे बाहर निकलना है, कोई हेल्प नहीं हो सकती।
इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी शर्म को साइड में रखना होगा, सबसे पहले ओन करना होगा, हाँ मुझे ये हो रहा है। अगर आपको फेस पर कोई प्रॉब्लम होती है तब भी आप अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं, यार यहाँ कुछ पिंपल्स हो रहे हैं कुछ तो बताते हैं आप, या अपने आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि जो आपका फैमिली डॉक्टर होता है उसको बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पेन हो रही है, मुझे यहाँ थोड़ा पेन होता है या मुझे चेस्ट में पेन होता है, कुछ तो आप बताते हैं। अगर आप वहाँ बता सकते हैं तो इस मैटर के लिए क्यों नहीं बताएंगे। ये नेगेटिविटी आपको कितना अंदर ले जा सकती है इसका अंदाज़ा आपको नहीं है, और उस एज में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इन चीज़ों से हम दूर होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना कि सबसे पहले ओन कीजिए कि हाँ ये मुझे हो रहा है। सेकंड, अपने किसी क्लोज ऐसे फ्रेंड को बताइए जो थोड़ा वाइज है, थोड़ा बैलेंस्ड है, जो बिल्कुल हवा में बातें नहीं करता, या जो आपको निग्लेक्ट ना कर दे, अबे छोड़ यार बेकार की बातें मत किया कर, ऐसा ना बोले, आपको निग्लेक्ट ना करे, जो आपको कहे हाँ यार देख इसको ठीक करना चाहिए और इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, ऐसा कोई बैलेंस्ड पर्सन हो। आपके फैमिली में कोई हो सकता है, आपका बड़ा, कोई बड़ी बहन, बड़ा भाई, आपके डैड, आपकी मॉम, कोई जो आपकी बात को सुने समझे, तब वो आपके लिए जा करके जो भी उसे स्टेप्स इन्हें वो ले पाएगा। आपके स्कूल या कॉलेज में भी हो सकता है, कोई ऐसा टीचर हो सकता है, कोई ऐसा मेंटोर हो सकता है। कभी कभी मैंने देखा है कि फिजिकल इंस्ट्रक्शन वाले जो टीचर्स, पीटी टीचर्स होते हैं, वो बड़े पॉजिटिव स्पिरिटेड होते हैं। अगर उनसे आप क्लोज हैं, किसी से भी, आप जिससे भी क्लोज हैं, आप सबसे पहले उनसे शेयर कीजिए, तब वो आपकी बात को समझेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, कुछ तो रास्ता दिखाएंगे, और आपको भी हिम्मत आएगी कि हाँ मुझे इसके लिए काम करने हैं। इसके अलावा आपको अपने अंदर भी पॉजिटिव काम करने होंगे, आपको अपने अंदर इस चीज़ को देखना होगा कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव रहना है। इस पर थोड़ी सी बात मैं कहूँगा, सिगमंड फ्रॉयड ने, जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी हुए हैं, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने इस चीज़ को समझा था कि हमारे अंदर दो विशेज होती हैं, लाइफ विश या डेथ विश। अगर मैं लाइफ विश का सहारा लूँ, अगर मैं उसको पकड़ूँ, उसे स्ट्रांग करूँ, तो मैं लाइफ में अचीवमेंट्स की बात करूँगा, मैं जीतने की बात करूँगा, और अगर मैं हार जाऊँ, अगर मैं गिव अप कर जाऊं, तो मेरे अंदर की डेथ विश प्रभावी हो जाएगी। तो मेरे माइंड में दोनों चलती हैं, अगर मुझे डेथ विश के अंदर नहीं आना है, अगर उस अंधकार में नहीं जाना है, तो मुझे लाइफ विश को पकड़ना होगा। इसी को उन्होंने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी कहा, कि सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, जो लड़ेगा अपनी सिचुएशन से, जो अपनी नेगेटिव बातों से लड़ेगा, वो नेगेटिव बातें जो माइंड में, उनको चेंज करने की बात करेगा, वही जीतेगा और वो बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा भी सक्सेस आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। तो इसके लिए अच्छे पॉजिटिव वीडियोज़ देखिए, अच्छे सॉन्ग्स, पॉजिटिव सॉन्ग्स सुनिए, नेगेटिव बातें नहीं करिए, नेगेटिव लोगों से बातें नहीं करिए। ऐसे अगर आपके दोस्त हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी की बात करते हैं, उनसे दूर रहिए, अच्छा खाना खाइए, वॉक पे जाइए, जॉग करिए, जिम करिए, जो भी आपको पेप अप करने के लिए चाहिए वो करिए और बाहर निकलिए। सो थैंक यू डॉक्टर कमल खुराना, आप आए और हमारे सारे फॉलोअर्स को इतने इम्पोर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक पे इतना अच्छा ज्ञान दिया और लोगों को बताया कैसे बाहर निकले इस प्रॉब्लम से। यू वेलकम, आपके लिए और हमारे दोस्तों के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू डॉक्टर। सो दोस्तों, जिंदगी जीने का नाम है, और अगर कभी भी प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी है। सिर्फ सलूशन के लिए आपको करना क्या है, आपको किसी ना किसी को रीच आउट करना है। कभी हिचकिचाइए मत किसी के पास जाना हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, आपका फ्रेंड हो, बिल्कुल जाइए, बेझिझक जाइए और मिलेगा आपको सलूशन। दोस्तों ये थे डॉक्टर कमल खुराना, और हमने छेड़ा वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक जो है टीनेज डिप्रेशन। हमारे देश की शान वो है यूथ, अगर उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे तो किसकी करेंगे। आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह इसे शेयर कर दें, और लाइक, सब्सक्राइब और घंटे को दबाना ना भूलें।